डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में बिजबेड़ा का ये खूबसूरत ग्राउंड, जहां बिजबेड़ा प्रीमियर लीग के नाम से हर साल एक टूर्नामेंट करवाया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर की रियासतों से भी खेलने बेशुमार खिलाड़ी आते हैं। यूं तो अपने लिए सब क्रिकेट खेलते हैं और आला सतह पर अपना नाम भी रोशन करते हैं, लेकिन जो बाकियों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, एक हौसला अफजाई करे बाकी सबकी, ऐसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा ही एक नाम है, परवेज रसूल, जिन्होंने अपना नाम काफ़ी रोशन किया और बाकियों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। दुनिया में आला हुनर रखने वाले इस खिलाड़ी ने जम्मू कश्मीर में लगातार कई सालों तक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद आईपीएल में और उसके बाद टीम इंडिया में अपनी जगह पाई। हालांकि वहां उनका कैरियर इतना अच्छा नहीं रहा और इतना लंबा भी नहीं रहा, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर इनकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी जाती रही और लास्ट ईयर ढाका प्रीमियर लीग में जब खेलेंगे तो वहाँ बैट से भी और बॉल से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस की और हज़ारों दिलों में अपना नाम बनाया। और परवेज रसूल के चाहने वाले हज़ारों की तादाद में हमें जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। 2022 में जब जेकेसी की तरफ से ट्रायल मैचेस करवाए गए, जिसका फाइनल जम्मू वर्सेस कश्मीर करके शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में खेला गया, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग परवेज रसूल को देखने आए और उन्होंने परवेज रसूल की सराहना की। अच्छी बॉलिंग करने के बाद जब परवेज रसूल बैटिंग करने के लिए आते हैं तो तब ये शोर तालियों की गूंज दुगनी हो गई और लोगों ने किस तरह उनकी सराहना की, ये तो देखने का काबिल था। चैंपियन चैंपियन के नारे और तालियों की गूंज यहां ख़त्म नहीं हुई। मैच के बाद जो हुआ वो एक अलग ही नज़ारा था। तेरा भाई मेरा भाई परवेज भाई परवेज भाई, कोई कुछ भी कहे कितनी भी नफरत करे, लेकिन मैं और हजारों फैन परवेज रसूल के लिए यही कहेंगे।